अब जैसे मुझे पता लगा कि हमारी बहन ने एक कारनामा कर दिखाया कि दुबई में जाके और एशियन चैंपियनशिप के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, हमारे देश का नाम गौरवान्वित किया, तो मुझसे रुका नहीं गया। मैंने तुरंत कोशिश करी कि इनसे मुलाकात करें और आज दिल्ली एयरपोर्ट से उतरने के बाद इनकी पहली मीटिंग यही है, पहला स्वागत सम्मान समारोह यही है। तो मैं बहन जी का बहुत दिल से गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें इस काबिल समझा और ये मौका दिया। हरियाणा की माटी की बेटी स्वीटी बूरा का स्वदेश लौटने पर अखिल भारतीय जाट महासभा ने किया जोरदार स्वागत सम्मान। विदेश की धरती पर अपनी पताका लहराकर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर स्वदेश लौटी हरियाणा की बेटी स्वीटी बूरा का सबसे पहले स्वागत सम्मान किया अखिल भारतीय जाट युवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह देसवाल ने। इस अवसर पर पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी और अखिल भारतीय जाट युवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह देसवाल ने भारत की इस होनहार खिलाड़ी का अभूतपूर्व स्वागत व सम्मान किया। आपको बता दें कि 21 मई से 1 जून तक दुबई में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप से कांस्य पदक जीतकर लौटी स्वीटी बूरा का भारत की धरती पर कदम रखते ही सबसे पहले अखिल भारतीय जाट युवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह देसवाल ने स्वागत किया। भारत की बेटी हैं हम और हमारे मुक्के में है दम। जी हां दोस्तों, हरियाणा की बेटी स्वीटी बूरा ने विदेश की धरती में दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर यह साबित कर दिया है कि हमारी छोरियां भी किसी से कम नहीं है। अखिल भारतीय जाट युवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह देसवाल ने दिल्ली पहुंचने पर एयरपोर्ट से सीधे स्वीटी बूरा और उनके साथ भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान दीपक निवास हुड्डा का जोरदार स्वागत किया। क्षेत्र की सरदारी पालम 360 खाप के अध्यक्ष समेत विभिन्न गणमान्य लोगों ने विक्रम सिंह देसवाल के साथ स्वीटी बूरा का स्वागत किया, फूलों की माला पहनाकर उनका धन्यवाद किया, आभार प्रकट किया। हरियाणा के हिसार के गिराए गांव के किसान महेंद्र सिंह की बेटी स्वीटी बूरा ने एशियाई चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक किसानों को किया समर्पित। अखिल भारतीय जाट युवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह देसवाल ने 11,000 रुपए की राशि देकर किया सम्मानित। पदक जीतने के बाद पहली रिएक्शन क्या थी आपको? वैसे तो सबको पता है कि आपने अपने पदक को किसानों को समर्पित कर दिया, आपके मुंह से जानना चाहिए। जी बहुत अच्छा लगा, अगर आप अपनी कंट्री के लिए मेडल जीतते हैं तो मेडल आप कंफर्म हो जाता तो आपको बहुत अच्छा लगता, तो वैसे ही मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। चलिए, कांस्य पे आपने बाजी मार ली है, आगे क्या तैयारियां हैं, आपसे उम्मीद स्वर्ण पदक की जा रही है? जी उम्मीद मुझे भी थी, इससे ही थी, आगे तो है ही, लेकिन अभी भी हमारी कोविड की वजह से इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाई जिसके करके मैं स्वर्ण से चूक गई, लेकिन अगली बार मैं अपनी पूरी अच्छी ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी और गोल्ड लेने के लिए बैठूँगी। स्वीटी जी, किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी मनुष्य के लिए या किसी भी प्राणी के लिए जिस जाति में वो जन्म लेता है या जिस परिवेश में वो रहता है उसके द्वारा सम्मानित किया जाना अपने आप में बड़ी गौरव की अनुभूति कराता है। आज देश की सबसे बड़ी खाप पालम 360 खाप के प्रधान और सबसे पुरानी जो संस्था है अखिल भारतीय जाट महासभा, उसके युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके साथ बैठे हुए हैं, तो इस सम्मान के बारे में आप क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा लगता है जब आपके अपने ही आपको सपोर्ट करते हैं। इवन मैं खाप के लिए, मतलब सबके लिए, मेरे लिए इतना कास्ट इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी आपकी आपके लिए आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा मायने रखती है, उसमें अपना कास्ट भी आपके साथ साथ चलती है, आपका नाम आपका सरनेम साथ चलता है, तो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं आपके अपने, जब आपके साथ मिलकर चलते हैं आपका सम्मान करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए, सफलता के कुछ मंत्र आपसे जानना चाहेंगे, कुछ गुर, ताकि चैनल को देख रहे तमाम जो आपकी तरह बनना चाहते हैं खिलाड़ी, आपकी तरह करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए सफलता के दो सूत्र। नेवर गिव अप, एक ही सूत्र है, कभी हार मत मानो, क्योंकि अगर आपने हार मान ली फिर तो कुछ मिलने वाला है नहीं। अगर हार गए और लगे रहे बार 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 ट्राई करोगे तो आपको एक न एक दिन कुछ न कुछ हासिल होगी। चलिए, तमाम लड़कियों के लिए और जो खिलाड़ी हैं उनके लिए आपकी ओर से क्या मैसेज बनता है?
लड़कियों को मैं मैसेज देना चाहूँगी, हम लड़कियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, हमें अपनी शक्ति का पता नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, तो अपनी शक्ति को पहचानो कि आप क्या कर सकते हो। जैसे आज मैं कर रही हूँ, आप मेरे से भी बेटर कर सकते हैं हर फील्ड में, पढ़ाई में, गेम में, कुछ भी अगर हम करें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो कभी गिव अप ना करें, हमेशा अपने आप को कोई मोटिवेट करे या ना करे, लेकिन आप खुद को मोटिवेट करते रहिए, अपने आप को और अपना काम करते रहिए। दीपक निवास हुड्डा जी, आप लाखों करोड़ों उन युवाओं की धड़कन बन चुके हैं जो कबड्डी, जो हमारी हरियाणा की माटी का खेल माना जाता है, आपको आदर्श मानते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपकी तरह प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, उन युवा खिलाड़ियों के लिए क्या संदेश देंगे? मैं सभी युवा खिलाड़ी हैं या जो भी पढ़ाई में बच्चे हैं, जो भी अपना करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सबके लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं तो सिर्फ एक बहाना होती है। ऐसे मैं भी एक बहाना बना सकता था कि मेरे छोटे से के माँ बाप दोनों गुजर गए, लेकिन मैं आज एक अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी हूँ, अपने देश का कप्तान हूँ। लाइफ में हम बहाना ढूंढ लेते हैं कि मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है, या मेरे घर की फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है, या मुझे ये सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मेरे पास ग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, ये मेरी तारीफ के लिए नहीं है, ये आप सबके लिए एक मोटिवेशन की बात है कि आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ संभव है, तो आपके अंदर वो विल पावर वो जुनून होना चाहिए। आप भी सुबह मेरी तरह 3 बजे उठकर प्रैक्टिस के लिए जा सकते, मेरे से भी अच्छी कर सकते, और कुछ साल बाद मेरी तरह बच्चों को मोटिवेट करते नजर आएंगे। अखिल भारतीय जाट युवा महासभा और पाड़म 360 का आपने संयुक्त रूप से आपको सम्मानित किया है, क्या कहेंगे? हमारे लिए काफ़ी सम्मान की बात है कि पाड़म 360 और अखिल यहाँ पे बुलाया, और हम एयरपोर्ट से घर के लिए निकले, देखे सबसे पहले यहाँ पे बुलाया और हमारा सम्मान किया, और स्पेशली स्वीटी बुरा जी का जो मेडल आया था, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया कि हमारे देश के जो किसान इतने दुख झेल रहे हैं पिछले कई महीनों से, उनके ये अपना मेडल समर्पित किया, क्योंकि ये लड़ाई हम सब की है, और ये काफ़ी अच्छी बात है कि इन्होंने एक अच्छी पहल की है। मेहनत तो इनकी दिन रात की है, लेकिन इन्होंने एक काफ़ी अच्छा मैसेज दिया है कि हम सब एक साथ हैं। सुरेंद्र जी, आज के सम्मान समारोह के बारे में, हमारी बेटी ने एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, क्या कहेंगे? ये बड़े गौरव की बात है हमारे देश के लिए भी और हमारे देहात के लिए भी, कि इस तरीके से हमारे बच्चे और बच्चियां देश का नाम रोशन कर रही हैं, और ख़ास तौर पर जो बेटियां नाम रोशन कर रही हैं, जो हमारी बहन ने कहा कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के पीछे जो है वो एक, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे धर्म पत्नी के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, हर काबिल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और जब वही शख्सियत, वही औरत, चाहे वो हमारी बेटी हो, हमारी बहन हो, हमारी माता हो, कोई भी हो, वो देश का नाम रोशन करते, तो उस गौरवान्वित महसूस करता है, और समाज के लिए बड़ी बात है कि हमारी बेटी आगे बढ़ रही है। विक्रम जी क्या कहेंगे, बड़ा अच्छा अवसर है, स्वीटी बुरा के बारे में, सम्मान समारोह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संजय जी, आपने अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष के रूप में पूछा, बाकी मैं एक देश का नागरिक होने के नाते बता दूं कि जब भी किसी भी जाति का ना कोई बच्चा विदेश की धरती पे जाकर अपने देश का नाम रोशन करता है तो बड़ी खुशी होती है, और अगर वो बच्चा अपने परिवार का हो तो खुशी दुगनी हो जाती है। खिलाड़ियों को आपकी ओर से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते क्या संदेश बनता है? देखिए, जब आप अपने देश के लिए खेलते हैं, जब आपकी टी शर्ट पे इंडिया लिखा जाता है, तो आप अपने लिए नहीं खेलते, 125 करोड़ भारतीय के लिए खेलते हैं। संदेश जैसे हमारे कबड्डी के जो कप्तान हैं हमारे देश के, दीपक निवास हुड्डा जी, इन्होंने बताया कि आप भी 3 बजे उठ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना मैसेज आपको देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर किसी को कोई भी समस्या आती है कहीं प्रैक्टिस करने में, या किसी तरीके से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सिस्टम के फेलियर के रूप से, क्योंकि हिंदुस्तान में कहा जाता है कि पावर का बड़ा खेल है, अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी हमारे साथ हैं, ये और हम मिलकर जितना हमारे से बनेगा कोशिश करेंगे कि हमारे देश का नाम रोशन करने की जिन बच्चों के अंदर चाहत है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा सकें।